जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी साइंसदानों ने पाकिस्तानी रेलवेज़ के मामले में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी साइंटिस्ट के अनुसार वो इस टेक्नोलॉजी को पिछले 20 सालों से बनाने में लगे थे। ये टेक्नोलॉजी है हाईफाई पाकिस्तानी रेलवे क्रॉसिंग। पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के अनुसार इस हाईफाई रेलवे क्रॉसिंग से पाकिस्तान में एक्सीडेंट ना के बराबर होंगे और बच्चों के लिए नए रोज़गार उत्पन्न होंगे। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने अपने प्रिय मित्र चाइना को भी नहीं दी है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई जाती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इमरान खान से हाथ जोड़कर ये टेक्नोलॉजी अपनी रेलवेज़ को देने को कहा है, मगर पाकिस्तान ने कहा है कि ये हाईफाई रेलवे क्रॉसिंग का फार्मूला वो सिर्फ अपने इस्लामिक ब्रदर देशों को ही देंगे। तो चलिए देखते हैं इस पाकिस्तानी भाई की रिपोर्ट। जी भाईजान, ये आप देख रहे हैं, मैं पाकिस्तान में एक शहर में हूँ, विहाड़ी शहर है, ज़िला विहाड़ी है ये, और ये बिल्कुल मेन इस टाइम जो ये मेन स्ट्रीट है, और आप चेक करें ज़रा कि पाकिस्तान रेलवे का क्या हाल है कि एक बंदा रस्सी के साथ वो एक फाटक बना के कि जी ट्रेन आ रही है वो फाटक बंद कर रहा है। चेक करें ज़रा आप कि कितनी जिद्दत आ गई है पाकिस्तान में, और मैं हैरान हूँ। मैं पाकिस्तान आज एक साल के बाद आया हूँ और आता रहता हूँ, वैसे मैं थोड़े दिनों के लिए आता हूँ, इस दफ़ा मैं थोड़ा लंबा आया हूँ। और ये गवर्नमेंट का मुलाजिम बंदा है भाईजान, आप देख रहे हैं कि ये फाटक कितना कमाल किस्म का इस बंदे ने तैयार किया है। चेक करें ज़रा, किसको कहते हैं जी फाटक, क्या बात है जी। मैं तो हैरान और बड़ा परेशान हो गया हूँ, आप भी हैरान और परेशान हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रेलवे वजीर को ये पता चले कि उसकी कारकर्दगी कितनी अच्छी है। अब ये सामने से ट्रेन आ रही है, इसका भी आप ज़रा नज़ारा कर लें कि ये जो हमारा प्यार मोहब्बत वाला ये भाईजान जो ये फाटक है ये कितना ब्लॉक कर सकेगा। फाटक का मकसद क्या है वो देखिए, ये जनाब ट्रेन जा रही है और ये फाटक हमारा मिट्टी में रुल गया है, बर्बाद हो गया सारा। इस वीडियो को मेरे भाई शेयर करें। ये जो हमारे जो रेलवे के वजीर है ना, पता नहीं नाम क्या है, मुझे तो उसका नाम लेना पसंद नहीं करता, ताकि उस तक ये वीडियो पहुंचे मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।